कहते हैं ना, कोई काम बीच से चालू करोगे तो आधा अधूरा समझ आएगा, इसीलिए पार्ट वन देखो पहले, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इतने सारे वीडियोस देख के गूगल में सर्च करके गए, फिर भी स्नोफॉल नहीं देखने को मिला डे वन पे। दूसरे दिन सुबह जब घूमने निकले, दिमाग में एक ही बात आई, अदरक के बिना चाय और बर्फ के बिना मनाली अधूरी है। सुबह सुबह निकल के पहले जाना पड़ा कपड़े रेंट पे लेने। कपड़े रेंट करके उधर एक्टिविटीज का पैकेज लेके निकल पड़े धुंधी। हम लोग फिलहाल अभी एक ढाबे पे आए हैं, चिकन मटन सब मिल जाता है, नॉन वेज वेज। ये देखो मटन, राइस, चिकन और ये बफेलो, और ये बफेलो और ये बीफ। तो हम लोग अभी धुंधी आ चुके हैं, और हम लोग का जो लोकेशन है एग्जैक्ट, वो थोड़ा कितने किलोमीटर दूर है भैया यहाँ से? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीश है। अनीश भैया लेके जा रहे हैं, अभी 1.5 किलोमीटर दूर है, पैदल चल के जाना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में 1.5 किलोमीटर चलना इज रियली अ टफ जॉब, बट 15 मिनट पैदल चलते चलते हम लोगों को मिला ये ब्यूटीफुल सा स्पॉट, जहाँ एक 5 मिनट का ब्रेक लेना वॉज वर्थ इट। बहुत मजा आ रहा है, लिटरली पूरा चढ़ के आए 1-2 किलोमीटर, भाई सांस फूल रही है, कितना सही है यार। जा तो रहे लोग भाई, उधर कैसे आ रहे लोग? चलोगे ना खाली जगह पे? आप ले चलोगे ना? आ जा भाई, मौन ऊपर देखो भाई, इतना ऊपर आने में ना मेहनत लगती है, सबके बस की बात नहीं है, डेडिकेशन। ओ मैं पत्थर था वो, भाई कुछ भी फेंकेगा क्या भाई। ये देख लो भाई इनका धंधा, एक बार ऊपर से इधर नीचे 1000 रुपए है, इससे ज्यादा तो हमारे क्राइस्ट वाले लूट लेते हैं। देखो देखो भाई, भाई उतना उतनी भी मत कर नौटंकी, ठीक है ना, कैमरा के लिए। अब देख लो दोगले इंसान को भाई, पूरा कैसे आएगा ऊपर एकदम कूद के। पहले था भी थोड़ा फ्रिक्शन, चार बार फिसल गया, पूरा स्मूथ कर दिया भाई। अब तेरे पैर नहीं जम रहे क्या? थोड़ा लग रहा है ना। आ रहा है हां भाई, ऐसी बनती व्लॉग्स देख ले, चल किस कर ले। यार मनाली में घूमने आ रहे हो और तुमने मनाली के एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं किए, तो कोई मतलब ही नहीं बनता मनाली आने का। स्कीइंग हमारा हो गया और अब हम लोग कर रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं माउंटेन बाइक पर। ये हाँ भाई, मजे आ गए मजे। भैया हैवी ड्राइवर भाई, कैमरा गिरा ना, हो गया फिर व्लॉगिंग सारा। गाइस हमारा धुंधी में स्कीइंग वगैरह हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया बता दो। भाई कहाँ जा रहे खुद ही नहीं बता। खोक्सर आना भाई, खोक्सर, खोक्सर जा रहे हैं, खोक्सर पहुँच गए हम। अच्छा, अब इसके बाद अटल टनल। हाँ, अटल टनल के बाद वापिस हम जाएंगे सोलंग वैली होते हुए मनाली को। अच्छा गाइस, हम लोग यहाँ पे जो भी जगह है ये नाम नहीं पता मेरे को, बाहर निकल गए और यहाँ देखो नकली बर्फ बना रहे भाई, ये असलियत मनाली की एक्सपोज्ड। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अटल टनल, भाई मेरा ही चैनल बन गया, अब भूल जाओ उसे, मैं बोल रहा हूँ अटल टनल में आ गए हम, और ये एक बढ़िया सा ब्रिज है सामने, और अभी हम यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। व्यू देखो व्यू, आहा हा आहा हा, ये व्यू देखो, ओहो हो व्यू देखो भाई, व्यू देखो भाई, फिदा हो रही लड़कियां। जूते इतने स्लिपरी हो गए ना भाई, माइनस में चल रहा है टेम्परेचर लिटरली, भाई जम गया मैं बिल्कुल भाई, बिना बीनी के बिना ग्लव्स के भाई, फोटो वोटो सेशन चल रहा है इधर पिछले 5 मिनट से, अभी इधर से जाना है अटल टनल, ठीक है भाई, फटाफट से फोटो खींचने, गाड़ी के अंदर घुसते हैं भाई, न्यूमोनिया हो जाएगा मेरे को। सागर हार दिखना चाहिए। कैसा लग रहा है? हाउस द जोश? बढ़िया। अरे क्या भाई, भाई कुछ मोटिवेशन ही नहीं दिया भाई, चिल्ला दे। नहीं चिल्ला दे एक बार। आ गया आपका असली ब्लॉगर आज। अभी हम ये, मैं ये करने जा रहा हूँ, ये तीन नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ सर, चलो
हाँ हाँ मैं तो रेडी। चलो भाई टाटा बाय। चलो भाई ओ भाई मजे आ रहे पूरे। अटल टनल वॉज नथिंग बट एक लंबा सा टनल, मतलब बहुत ही बोरिंग था। तो अगर तुम लोग दूसरे जगह को सेक्रीफाइस कर रहे हो जस्ट टू विजिट अटल टनल, तो आई वुड से इट्स नॉट वर्थ इट। सारे एक्टिविटीज करने के बाद हम लोग सीधा गए कपड़े वापस देने। चलो मैं पैसे तो नहीं दे पाया, मैं जूती साइकिल देता हूँ। बाय दीदी, बाय 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 बाय। ये है मॉल रोड, हमारे होटल से बहुत ज्यादा पास है लिटरली। आई लव मनाली। जानो उसके सामने ऐसे पोज कर तो जा और चिल्लाइए पकड़ के ले जाएंगे भाई। खींच ली भाई, खींच ली। चल भाई और शिवा ले ले मुंह में। निकाल तो मुंह से तो आग निकाल। निकाल भाई ऐसा कर रहे हैं मुंह से आग निकाल। खाओ मीठा पान। चलो ये प्यार वाला पान खिला दिया। चलो रख लो इसको। इसी तरीके से डे टू होता है खत्म और चालू होता है लास्ट डे। चार लॉन्डो ने बैग्स पैक करके बाइक रेंट पे लेके निकल पड़े आखिरी दिन का मजा लेने। भाई निकल गए स्कूटी में। हमारा पहला स्टॉपेज वशिष्ठ। के लिए हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ का मंदिर देखने, बट हम लोगों का प्लान था कि बाइक लेके सीधा जाएंगे वशिष्ठ। भाई बहुत दूर है, मत चल। चलने का भाई बोल रहा है, दो मिनट है आगे। अभी यार इधर से ना इतना ट्रैफिक है तो मतलब बाइक लेके जा नहीं पा रहे। वैसे ही बुलेट है, भारी है बहुत बाइक, स्कूटी तो चल जाएगा बट बहुत भीड़ है। वशिष्ठ अगर तुम लोग जा रहे हो घूमने तो उधर के हॉट स्प्रिंग्स के मजे लिए बिना मत आना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास कपड़े नहीं थे एक्स्ट्रा, तो हम लोग मजा नहीं ले पाए, बट आई वुड सजेस्ट एवरीबॉडी टू गो एंड विजिट। वशिष्ठ का मंदिर तो कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सोलांग घूम ले या फिर सिसू चले जाए, बट सिसू अभी बंद होने वाला है, मतलब चार बजे तो बज ही गए चार, ठीक है, तो सिसू तो बंद है। और एक बात है कि हम लोगों का बस जो है वो कैंसिल हो चुका है, रेड बस का, ठीक है। तो अभी इधर से मैंने ऑफलाइन बुकिंग की है हम लोग बस का, जो कि सीधा जा रहा है मनाली से दिल्ली। शूट चल रहा है इनका, देख रहे हैं ऐसे बीच रोड में मनाली की। ये रास्ते में बैठा भाई, इसका व्लॉग बढ़िया है। चलो कोई नहीं, ये देखिए फोटो शूट ये चल रहा है। इधर देखना, इधर इस पे ये देख भाई, बिना एक्सेलरेटर के चला रहा है। एक हाथ से चलाते हैं, गजिया बात है, गजिया बात है। बिना ये एक्सेलरेट के ढलान में चल रहा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वापस पूरा घूम के, और हमने यहाँ बाइक वाइक जो भी रेंट पे ली थी वो सारी वापस कर चुकी है। बट एक बारी आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, मतलब हद पार ट्रैफिक। आ भी रहा ट्रैफिक उतना, जा भी उतना रहा भाई। एक चीज़ मेरे को बता कि इधर गाली कैसे बोलेंगे भाई लोग, क्या बोलेंगे? मतलब भाई वही खाई में फेंक दूंगा, ज़्यादा ना बोल खाई में फेंक दूंगा, ऐसा बोलते क्या? ऐसा बोलेंगे खाई में फेंक दास छे। बहुत गंदा था, एक बार ट्राई कर भाई। देख ये तो सही है, ठीक है, तूने मेरे में क्या डाला है भाई। हाँ अब यार बहुत ठंड हो रही है बाहर, ठीक है, और हम लोग अभी लगेज लेके जा रहे हैं जिंग बस के लाउंज। फिलहाल अभी के लिए बजा है दूर करने 8, ओके। एंड अभी फिलहाल के लिए यार सागर ऑटो ढूंढ ले। अच्छा ऑटो वाला बोलना चाहता है, इधर कैमरे में बोलना, ठीक है सीधा। अब तो कुछ रहा ही नहीं बचा बोलने को। क्यों? अरे मत भाई ठंड लग गई है, मुंह जम गया, हाथ चल गया।
हट गया। अरे भाई तो अभी बैठ गए बस पे एंड जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे मनाली का ट्रिप होता है खत्म। ओ शिट, अब क्या हो गया? डे 3 पैराग्लाइडिंग करवाते हैं यहाँ पे। नहीं क्या होता है, अब तो कर दिया।